कई बार गलत खान पान के आदतों से हमारे शरीर को बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। इन्हीं में से एक समस्या है किडनी की पथरी यानी रिनल स्टोन। तो कई बार हम अनजाने या जाने में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करने लगते हैं जिसकी वजह से हमें किडनी की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। कई बार बहुत से लोगों को इसके बीमारी के बारे में पता भी नहीं चलता कि जो उनकी किडनी में जो पथरी है बहुत छोटी होती है तो वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है, लेकिन यही पथरी जब बड़ी हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूरे जो है हमारे ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध उत्पन्न कर देता है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दर्द उत्पन्न होने लगता है और इस असहनीय दर्द की वजह से और भी सारी समस्याएँ हो जाती हैं। तो हम आज के वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल बटन जरूर प्रेस करें जिससे जो भी हमारी हेल्थ संबंधी जो वीडियो होंगी अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं रिनल स्टोन की। तो इसका बचाव कैसे करेंगे और इसका इलाज कैसे करेंगे, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा से पहले हम आपको एक दो केसेस के हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यह पहला केस है जिसकी जो है पहली जांच जुलाई में हुई थी और इसमें मल्टीपल स्टोन दिखाया गया है और एक से दो महीनों के इलाज के बाद जब दोबारा उसकी जांच सितंबर में कराई गई तो इस रिपोर्ट में कहीं भी कोई भी पथरी नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे केस की। इसमें 8 mm की स्टोन थी और कुछ महीनों के इलाज के बाद जो बाद की रिपोर्ट है इसमें भी आप देख सकते हैं कि कोई भी पथरी नहीं है। तो इन दो केसेस को देखने के बाद आपको यकीनन यह विश्वास हो गया होगा कि दवाओं के माध्यम से भी इसका इलाज किया जा सकता है। कई बार लोगों का यह सवाल होता है कि कितना समय लगेगा। तो इलाज में लगने वाला समय एक तो पथरी के साइज पर निर्भर करता है और दवाओं की क्वालिटी पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर आपकी पथरी का साइज बड़ा है तो जाहिर सी बात उस समय ज़्यादा लगेगा और छोटा है तो कम समय में निकल जाएगा। दूसरी बात है कि जो पेशेंट है वो दवाओं को कितने नियमित रूप से ले पा रहा है, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से दवाएं ले रहे हैं तो उतने ही सफलता की गारंटी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका इलाज में लगने वाला समय कोई निश्चित नहीं है, एक महीना भी हो सकता है, दो महीना हो सकता है और 6 महीने तक भी लग सकता है। भारत में लगभग 12-13% लोग इस रोग से अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर परेशान होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी दिनचर्या को सही कर लें, अपने खान पान की आदतों को सुधार लें तो यह प्रतिशत काफ़ी हद तक कम हो सकता है। किडनी में जो पथरी बनती हैं सामान्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, एस्ट्रोवाइट, यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टीन स्टोन। और इन पांचों में से भी जो सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट की ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सलेट वाले जो फूड है वो हमारे भोजन का हिस्सा ज़्यादा है। लगभग हर आदमी पत्तेदार सब्जियों को खाना पसंद करता है, टमाटर खाना पसंद करता है या फलों में सेब हो गया, नाशपाती हो गया, तो इनको वो खाना ज़्यादा पसंद करता है और इन सभी चीज़ों में कैल्शियम ऑक्सलेट ज़्यादा पाए जाते हैं जिनकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन ज़्यादा मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो कैल्शियम सप्लीमेंट ज़्यादा लेने की वजह से कैल्शियम के स्टोन ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग पानी बहुत ही कम पीते हैं, पानी का कम पीना भी रिनल स्टोन को बढ़ाता है। कुछ लोगों को बार बार यूटीआई यानी कि पेशाब की समस्या बनी रहती है, तो जिनको बार बार यूटीआई होती है उनमें भी पथरी की संभावना ज़्यादा होती है, तो ऐसे लोगों को जो है यूटीआई का इलाज जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिनको ऐसी बीमारी होती है कि उनको लगातार बेड पर ही रहना होता है, तो ऐसे जो बेड रिडेंट पेशेंट्स होते हैं उनमें भी इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि उनमें रिनल स्टोन डेवलप कर जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें पैराथायरॉइडिज्म की बीमारी होती है तो उनमें भी पथरी की समस्या ज़्यादा होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि घंटों तक पेशाब को रोके रहते हैं, तो जो पेशाब रोकने की आदत है ये भी बहुत ख़राब आदत है, इसकी वजह से भी उनको बार बार यूटीआई और पथरी होने की समस्या बढ़ जाती है। कुछ लोग अधिक चॉकलेट का सेवन करते हैं तो उनको सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये जो चॉकलेट का सेवन है अगर अधिक मात्रा में करते हैं तो उनमें पथरी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आपको पथरी हो गया तो किन किन उपायों से आप अपना बचाव कर सकते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है कि आप पानी को पर्याप्त मात्रा में पिएं। कम
पानी पीने से जो आपका यूरिन है काफ़ी कंसंट्रेटेड होता है, और कंसंट्रेटेड यूरिन की वजह से पथरी बनने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो पानी पीने में कोई कंजूसी न करें, पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए। और पानी संबंधित इसके पहले हमने वीडियो अपलोड किया था, आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। पानी के बाद हम बात करते हैं अपने जो खाने की चीज़ों की है, तो आपको पत्तेदार चीज़ों से परहेज करनी चाहिए। तो जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं, टमाटर है, पालक है, पत्ता गोभी है, तो इनको कम से कम सेवन करें या ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। फलों में नाशपाती का सेवन, अमरूद का सेवन कम कर दें। ड्राई फ्रूट में भी ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं तो ड्राई फ्रूट का भी सेवन कम से कम करें। अगर आप रस पीने के शौकीन हैं तो आप नींबू का रस ले सकते हैं, मौसम्मी का रस ले सकते हैं, चुकंदर का रस ले सकते हैं, तो ये जो है आपके पथरी की बनने की संभावना को काफ़ी कम कर देती हैं। अब बात करते हैं इलाज की, तो आयुर्वेद में बहुत से इलाज मौजूद हैं, और अभी जो हमने आपको केस डिस्कस किया था ये सारे के सारे आयुर्वेद के इलाज से ही 2 से 3 महीने में ठीक हो गए थे। और ये तो महज एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से केस हैं जिनकी जो है किडनी की पथरी कुछ महीनों में ही बाहर निकल गई। तो अगर आपको लक्षण दिखता है तो जो हमने बचाव के उपाय बताए इसके अलावा जल्द से जल्द किसी भी आसपास के आप चिकित्सक से संपर्क स्थापित करके आप अपना इलाज शुरू कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें देर नहीं करनी चाहिए। जो किडनी की समस्या है अगर आप समय पर इसका इलाज नहीं करा पाते हैं तो इसे किडनी खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हमसे आप परामर्श चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप विजिट करके हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अगर किसी को भी किडनी से संबंधित कोई समस्या हो तो इसका लाभ अब तक पहुँच सके। धन्यवाद।